नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने बीए फाइनल में जो सेकंड पेपर है उसमें काव्य शास्त्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग हमने जो भी लगभग सारे टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक था कौन सा, छंद। इसकी पिछली कक्षा में हमने छंद के बारे में थोड़ा सा जानकारी यानी सामान्य रूप से थोड़ी सी हमने जानकारी ली थी, तो कौन कौन सी जो जानकारी ली थी उनके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले, रिवाइज के तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था, फिर आगे चलते हैं जो भी आपके छंद में आगे है। तो एक तो हमने इसमें देखा था वर्ण, क्या वर्ण, तो वर्ण होते हैं तो लघु और गुरु, क्या लघु और गुरु, तो लघु को कहते हैं छोटा, क्या छोटा, छोटा यानी ह्रस्व, और गुरु को बोलते थे दीर्घ, क्या दीर्घ, यानी इसकी तो एक मात्रा आएगी और इसकी दो। तो ये हमने कल देखा था कि वर्ण दो होते हैं, वर्ण होते दो प्रकार के, तो लघु हो गया एक, गुरु हो गया, यानी वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो, लघु और गुरु। लघु को ह्रस्व यानी छोटा और गुरु को दीर्घ यानी बड़ा। ह्रस्व को क्या बोलते हैं, छोटा, और किसको, गुरु को दीर्घ यानी बड़ा। तो इसकी तो एक मात्रा होती है, एक मात्रा को इससे इस ये एक मात्रा होगी ना यानी सिंगल है, उसको तो एक कैसे दर्शाते हैं, और डबल यानी जिसके दो मात्रा होगी गुरु होगा उसको इससे दर्शाते हैं, यानी ये दो मात्रा का चिन्ह है। यानी अगर ऐसा आपको दिखाई दे यानी ये दो मात्रा, जैसे मान लो आप मात्रा लगाओ जैसे ये हो गया का, यानी इसकी दो मात्रा है तो इसको ऐसे दर्शाओगे आप, जैसे कह के एक मात्रा तो इसको ऐसे दर्शाओगे, यानी दर्शाने का तरीका है कि दो मात्राओं को तो आपको इस चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा और एक मात्राओं को आपके वो एक जिसके एक ही मात्रा हो उसको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। तो ये थे आपके वर्ण, लघु, गुरु, ह्रस्व, दीर्घ और इनकी मात्राएं ये थी। तो ये हमने कल क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। अब आगे बात करते हैं, ये तो मात्राएं थी अपने, अब मात्राओं के बारे में बात करने के बाद में फिर बात करते हैं आगे। और तो जो लघु था आपके, क्या जो लघु वर्ण है, तो लघु वर्ण दीर्घ, लघु वर्ण दीर्घ कब पढ़ा जाएगा, जो लघु वर्ण है उसको आप लघु को दीर्घ कब मानोगे, ऐसे कौन से नियम है जिनकी वजह से हमें लघु को भी क्या मानना पड़ेगा, दीर्घ मानना पड़ेगा। तो इसके जो पांच नियम मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, एक तो विसर्ग वाला बताया था ना, विसर्ग यानी विसर्ग आ जाए जिसे ये आ जाए अतः, तो अतः तो विसर्ग से पहले वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक बताया था आपको हलंत, तो हलंत से पहले वाला भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जैसे जगत, तो जगत में ये क्या हो जाता है, ये एक होता है, ये तेईस के साथ गय के साथ आ जाता, तो ऐसे डबल हो जाता था, ये क्या हो जाता, डबल है। तो विसर्ग से पहले और हलंत से पहले कौन कितनी मात्राएं लगाते हम, यानी हलंत से पहले और विसर्ग से पहले लघु को भी क्या मानते हैं, दीर्घ मानते हैं, यानी ये लघु है फिर भी इसको क्या मान रहे हैं, दीर्घ, यानी ये लघु है फिर भी क्या मान रहे हैं, दीर्घ। कहने का मतलब है कि हलंत और ये विसर्ग आए तो इससे पूर्व वाला जो वर्ण है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इसमें दो तो हमने देख ही लिए थे और तीन और है, इसमें तीन कंडीशन और है जिनकी वजह से भी क्या करना पड़ता है, लघु को दीर्घ बनाना पड़ता है। इसमें एक था अनुस्वार, अनुस्वार की वजह से भी, जैसे अनुस्वार में था आपके, जैसे उदाहरण है संयम, चंचल, तो कहने का मतलब ये है, अब आना तो चाहिए इसमें, ये आना चाहिए एक एक, यानी सिंगल सिंगल है, यानी लघु वर्ण एक एक आना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से अनुस्वार की वजह से ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये भी कल मैंने आपको समझा दिया था। एक आपके और था इसमें, यानी जो छंद होता है उसकी जो गति यति होती है, यानी छंद को बोलो आप, तो अंत में लय को बिठाने के लिए, यानी उसकी लय क्या नहीं हो, बिगड़े नहीं, इसके चक्कर में लघु वर्ण को क्या, दीर्घ वर्ण को भी कैसा पढ़ा जाता है, लघु, यानी जो लघु वर्ण है उसको भी दीर्घ पढ़ा जाएगा,
यानी छोटी मात्रा को भी क्या समझी जाएंगे, क्या समझा जाएगा, बड़ी। यानी अगर एक आर आर जो पढ़ने में क्या है लय नहीं आ रही, तो लय बिठाने के लिए उसको दीर्घ लघु को क्या करना पड़ेगा, दीर्घ बनाना पड़ेगा, या दीर्घ को क्या करना पड़ता है, लघु बनाना पड़ता है। ये कब करना पड़ता है, जब छंद के चरण में, जो छंद का चरण है और उसके अंतिम लाइन में या अंतिम जो होता है उसका अंत, यानी छंद के अंतिम चरण में उसकी लय को बिठाने के लिए लघु को दीर्घ या दीर्घ को लघु बनाया जा सकता है, यानी उसकी लय की सुविधा के लिए, क्योंकि छंद में लय और गति का ध्यान रखा जाता है, यानी लय होनी चाहिए और गति होनी चाहिए, तभी वो छंदबद्ध रचना कहलाती है। कौन सी रचना कहलाती है, छंदबद्ध रचना कहलाती है। तो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, हलंत हो गया, और आपके चंद्रबिंदी वाला ये मामला हो गया, और एक था कि इसमें कौन सा था, लघु को दीर्घ बनाने का एक और था इसमें, याद करो कल वाली क्लास क्या था, संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण मान लो आप, संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त वर्ण आएगा उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया सत्य, तो ये संयुक्त हो गया वर्ण, क्या हो गया, संयुक्त। तो संयुक्त से पहले वाला क्या होना चाहिए, डबल, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, यानी ये सिंगल ही, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, ये डबल हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे संयुक्त वर्ण आए उससे पहले वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा, लघु होते हुए भी दीर्घ पढ़ा जाएगा, यानी ये लघु है फिर भी इसको हम क्या मान रहे हैं, दीर्घ मान रहे हैं। तो ये भी आपको क्या कर रखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो पांच शर्तें थी आपके सामने, कौन कौन सी, यानी अगर लघु वर्ण है उसको आप दीर्घ पढ़ोगे या दीर्घ मानोगे तो कौन कौन सी वजह होनी चाहिए, हलंत होना चाहिए, यानी हलंत से पूर्व आप क्या मानोगे, लघु को दीर्घ, और विसर्ग से पहले लघु को क्या मानोगे, दीर्घ। अगर अनुस्वार का प्रयोग है तो लघु को क्या मानोगे, दीर्घ। अगर संयुक्त वर्ण का प्रयोग है या संयुक्त अक्षर है तो उससे पहले क्या मानोगे आप, उसे दीर्घ मानोगे, लघु वर्ण को भी। और छंदों की यति गति बिठाने के लिए उनकी लय खराब नहीं हो, इसीलिए छंद के अंतिम चरण में लघु को गुरु मान लिया जाता है और गुरु को लघु मान लिया जाता है। तो यहाँ तक हमारे कल क्या हो गई थी, चर्चा हो गई थी। अब बात करें छंद में आगे वर्ण और मात्रा, वर्णों व मात्राओं की गिनती, या ये मान लो गणना, यानी वर्णों व मात्राओं की गणना। क्या, यानी वर्णों और मात्राओं की क्या करनी है आपको, गणना करनी है। कल मैंने आपको बता ही दिया था, ए आ ई ई ऊ ऊ ए आई री ओ, ये सारे आपको क्या कर दिए थे, मैंने बता दिए थे किसकी तो क्या मात्रा आएगी और किसकी कौन सी मात्रा आएगी। एक बार और बता देता हूँ आपको, ए आ ई ई ए आ ई ई ऊ ऊ री री ए आई। तो ए की हो गई एक, आ की हो गई दो, छोटी ई एक, बड़ी ई दो, छोटा ऊ एक, बड़ा ऊ दो, री की एक, और इन दोनों की दो दो। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, मात्राएं लगानी है, यानी जो कल बताया था ना मात्राएं कैसे आपको लगानी है, तो मात्राएं लगाने का क्रम ये रहेगा, इस हिसाब से आपके मात्राएं लगेगी, कौन सा तो लघु है और कौन सा दीर्घ है। अब बात करते हैं वर्णों और मात्राओं की गणना, यानी वर्णों को कैसे गिनोगे आप और मात्राओं को किस प्रकार से गिनना है। तो जैसे मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, वर्ण लिख रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया। अब इनके क्या करना, आपको मात्राओं की और वर्णों की क्या करनी है, गिनती करनी है। यानी मात्राओं की और वर्णों की क्या करनी है, गिनती करनी है, कितनी तो मात्राएं हैं और कितने वर्ण है। अब वर्ण की बात करें, इसमें कितने अक्षर हैं, कितने हैं इसमें अक्षर, एक। कितने अक्षर हो गए, एक। और मात्रा कितनी हो गई, क। यानी और सिंगल ही मात्रा, जैसे इसको खोलेंगे ना आप तो ऐसे खुलेगा ये, तो यानी ध्वनि किसकी आ रही है, ए की। कितनी मात्रा है, एक। तो इसकी मात्रा कितनी आएगी, एक। अब बात करते हैं इसकी वर्ण कितने हैं, एक दो हो जाएंगे क्या, दो आपके हिसाब से कितने हो गए, दो। लेकिन ये क्या है, आधा। तो आध्याय होने की वजह से आधे का कोई महत्व नहीं रहता, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, एक ही वर्ण मानेंगे। किसे कितना मानेंगे, इसको एक ही वर्ण मानेंगे, यानी एक ही अक्षर है। क्या है ये, एक ही अक्षर है। और इसकी मात्रा, अब इसको खोलो आप, ये कह आधा, तो आधा ये आधा लगाते अलग लगाने का मतलब है आधा, तो ये कह क्या हो गया, आधा ये ऑलरेडी, और ये आपके ल को आधा ले लिया, ल में से ए निकाल दिया, तो मात्रा किसकी आएगी, ए की। तो ए की मात्रा कितनी होती है, एक। तो एक ही वर्ण और एक ही मात्रा इसमें क्या होगी, ऐसे होगी। यानी वर्ण भी कितना होगा, एक, मात्रा भी कितनी होगी, एक। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पे, ये आधा है या पूरा है, आधा, ये आधा और ये पूरा। तो कहने का मतलब है आधे का कोई भी महत्व नहीं रहता, तो इसको वर्ण कितने मानोगे आप, एक वर्ण। अब मात्राओं की गिनती करनी है आपको, स आधा है, ये आ गया आधा, और थे भी क्या आपके, आधा है, ये आ गया। अब बात हो रही है ये की, ये को आधा, तो पहले आप ये को आधा ले लिया, अब इसके साथ क्या था, कौन सी ध्वनि थी, ए। तो मात्रा किसकी आती है, ए की। ए की कितनी मात्रा है, एक। तो मात्रा कितनी होगी, एक। वर्ण भी क्या होगा, एक। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसा है, आधा, ये पूरा, ये आधा, ये आधा और ये पूरा। तो कितने हो गए, आधे की कोई महत्व नहीं होता, तो दोनों मिला के क्या हो गया, एक। और ये भी आधा, ये भी आधा इसके साथ मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, एक। तो वर्ण कितने हो गए, दो। यानी अक्षर कितने हो गए इसमें, दो। कितने हो गए, दो। अब मात्राओं की गिनती करते, इसको खोलना पड़ेगा ऐसे, क्या करेंगे, इसको खोलेंगे पहले। तो स आधा है, तो स को हमने क्या कर लिया, ये आधा ले लिया, ले लिया आधा। अब वह को हमने फिर आधा ले लिया, ये वह आधा ले लिया, वह के साथ क्या है, स्वा यानी आ। तो वह के साथ क्या आ गया, आ। फिर स क्या आ गया, आधा, ये आधा ले लिया। अब थे भी क्या है यहाँ पे, आधा, तो थे को भी क्या कर लो, आधा ले लो। तो थे को भी क्या ले लिया हमने, आधा ले लिया। अब बात करें किसकी, ये किसकी, ये। अब ये को अपने को आधा लेना, ये आधा ले लिया साहब ये को भी। अब ये में कौन सी ध्वनि बची, ये यानी ए, ये ध्वनि बच गई। अब मात्राओं की काउंटिंग करो आप, एक तो ये हो गई दो, और एक या आपकी हो गई एक। तो मात्राएं कितनी हो गई, तीन। वर्ण कितने हो गए, दो। तो मात्राएं कितनी हो गई, ये तीन। अब बात करें संयुक्त अक्षर, अगर संयुक्त वर्ण हो उससे पहले वाला क्या रहेगा, दो। तो दो तो इसकी हो गई, और ये सिंगल इसकी हो गई, दो और एक कितना हो गया, तीन। अगर ये मात्रा नहीं होती, ये सिंपल रहता, ए भी रहता यहाँ पे, तो भी कितनी लेनी पड़ती इसकी, दो। क्योंकि लघु होते हुए भी यहाँ पे हम दो ही मात्रा लेते, क्योंकि तो इस संयुक्त अक्षर से पहले वाले जो भी अक्षर या वर्ण होता है उसकी मात्रा चाहे लघु ही हो, हमें उसको क्या मानना पड़ता है, दीर्घ मानना पड़ता है। जो भी मैंने आपको लघु के दीर्घ रूप बताए थे पांच, उसके हिसाब से। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया वर्णों की गिनती और मात्राओं की गणना, यानी किस प्रकार से आपको मात्राओं की गणना करनी है और कितने वर्ण हैं, वर्णों का कैसे पता लगाना है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा।
आ गया ना सबको समझ में। बस इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आधे वर्ण की कोई भी वैल्यू नहीं होती, यानी कोई आधा वर्ण है तो दूसरे के साथ यानी उसके पास वाले वर्ण के साथ ही बोला जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यूज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए आपको कहीं भी शब्द में आधा वर्ण दिखाई दे तो उसको आपको अलग से काउंटिंग नहीं करना है, यानी आपको अलग से काउंटिंग नहीं करना उसको, उसको उसी एक जो जिसके साथ वो आया है उसी के साथ क्या करना पड़ेगा आपको, उसको काउंट करना पड़ेगा। किसके साथ में? जिस वर्ण के साथ में वो आया है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर ये इसके साथ आ रहा तो इसके साथ ही काउंट होगा, बट लेकिन इससे पहले जो वर्ण है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे और देता हूँ आपको दो चार उदाहरण। जैसे अभी आपने क्लै क्लै लिया था तो इसी से आप क्या लोगे, क्ला। तो क्ला क्ला यानी ये आधा है ये पूरा, तो वर्ण तो कितना हो गया, एक। कितना वर्ण? एक। अब इसको खोलना आपको, ये क हो गया आधा और ये ल हो गया आधा, ल के साथ क्या आ रहा, आ, क्ला। यानी इसके साथ कौन सी ध्वनि आ रही है, आ। आ की कौन सी मात्रा होती है, दो। तो इसमें मात्राएं कितनी हो गई, दो। यानी एक वर्ण और मात्राएं दो, किसकी वजह से, आ ध्वनि की वजह से। जैसे एक उदाहरण और दूं आपको, प्रत्येक। क्या? प्रत्येक। तो ये आपके जैसे मान लो वर्ण कितने हो गए, एक। आधार हो या उसको एक ही मानते हैं, एक वर्ण ये हो गया और एक ही होगा, तो वर्ण कितने हो गए, तीन। कितने वर्ण हो गए, तीन। तो तीन तो आपके इसमें अक्षर हो गए यानी वर्ण हो गए। अब मात्राओं की काउंटिंग करें, प्र और शब्द के, जैसे मान लो कोई भी शब्द है उसके शुरू में अगर आपके संयुक्त अक्षर आता है, जैसे इसमें आ गया ना शुरू में संयुक्त अक्षर, तो शुरू में संयुक्त अक्षर आने से कोई भी मतलब नहीं है, उसकी कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। अगर वो बीच में या बाद में आए तो उससे पहले वाला लघु भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अगर शब्द के शुरुआत में अगर आपके क्या आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया, तो इसकी कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होती। तो इस हिसाब से इसकी कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होगी, क्लियर। बट लेकिन यहाँ पे संयुक्त अक्षर आ गया तो इससे पहले वाले की क्या होनी चाहिए, डबल। तो इस वजह से क्या हो गया, ये डबल हो गया। अब तय और ये क्या, तय। इसको खोलना अपने को, प प्र प, ये आधा रह ले लिया और ए, प्र प्र। अब तय आधा है आपके, ये तय आधा आ गया और ये को आधा ले लिया। और अब इसमें किसकी मात्रा है, ए। कौन सा वाला, ये वाला, प्रत्येक। कै आधा ले लिया और कै में से ए निकाल लिया। अब मात्राओं की काउंटिंग करनी है आपको, तो ये क्या संयुक्त है, इसीलिए इसका एक होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से इसका क्या हो गया, है का डबल हो गया। किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, यानी ये इसकी वजह से डबल हो गया, नहीं तो क्या आना चाहिए था, एक ही मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से संयुक्त होने की वजह से क्या हो गई, ये डबल हो गई। अब आगे चलते हैं, इसकी दो मात्रा लगाते हैं और इसकी एक लगाते हैं, तो दो दो चार और एक पाँच, तो कितनी मात्राएं हो गई, पाँच। कहने का मतलब ये होगा तीन, एक दो तीन, तीन तो क्या हो गई, इसमें वर्ण हो गए, क्या हो गए, वर्ण। और मात्राएं कितनी हो गई, पाँच, दो दो चार और एक पाँच, तो मात्राएं कितनी हो गई, पाँच। कितनी, पाँच। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे ध्यान रखना है, यानी शब्द को आपको खोलना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, खोलना आना चाहिए। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे ये आ गया समाधान, क्या आ गया आपके सामने, आ गया समाधान,
तो इसमें वर्णों की गिनती करनी है आपको, एक दो तीन चार, तो वर्ण तो कितने हो गए, चार। कितने हो गए, चार। अब मात्राएं कैसे पता चलेगी, आप स को आधा लो, ये ले लिया आधा, अब स में से क्या निकलेगा, स यानी अ, ए ले लिया, ये ले लिया, ए ध्वनि आ गई। फिर लेना मैं को आपने आधा ले लिया, ये ले लिया, अब मैं में से कौन सी ध्वनि निकल रही है, आ, मा, ये आपने आध्वनि ये ले ली। अब ध है तो ध को आपने आधा ले लिया, और ध्वनि कौन सी आ रही है इसमें से, आ, कौन सी, आ। फिर आपको न को लेना आधा, और न को आधा लेने में से इसमें से कौन सी ध्वनि बच गई, ए। तो मात्रा हो गई एक दो दो एक, तो एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, तो मात्राएं कितनी हो गई इसमें, छः, और वर्णों की संख्या कितनी हो गई, चार। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, आ गया होगा ना अच्छे से समझ में, यानी वर्णों को कैसे गिनते हैं, बस वर्णों को तो आप जैसे जैसे एक एक अक्षर उसको गिनते हुए आपको क्या करना है, चलना है। बस इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी वर्ण, अगर मान लो आपके आधा वर्ण आ जाता है, और वो जिसके साथ आता है उसी के साथ जोड़ के उसको आपको क्या लेना है, ओनली एक, उसको आपको एक ही मानना है। बस उसका रोल क्या रहेगा कि अगर कोई संयुक्त जुड़ के कोई वर्ण आता है तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, लघु होते हुए भी उसकी दो मात्राएं आपको लेनी पड़ेगी। बस इतना सा आपको वहां पे ध्यान रखना है, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, यानी और कोई भी आपको उसमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अब बात आ गए यहाँ तक समझ में, अब कुछ एक आध उदाहरण है इसमें जो थोड़े से क्या है, डिफिकल्ट पढ़ते हैं। अब ये आ गया परिश्रम, क्या आ गया परिश्रम, तो परिश्रम में कितने वर्ण हो गए, एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार। कितने, चार। अब बात करें किसकी, इसकी, तो प आधा ले लिया, प के साथ क्या है, ए। फिर क्या आ गया, र, र को क्या ले लिया, आधा, इसके साथ क्या आ गया, ई, छोटा वाला, कौन सा, छोटा ही आया, यहाँ पे बड़ा नहीं है। फिर बात करते हैं स्र, तो स्र को कैसे लोगे आप, स, र और ए, यानी इसको खोलने के लिए, यानी संयुक्त क्या है, वर्ण है ये कौन, श, त्र, ज्ञ, स्र, यानी श, त्र और ज्ञ, और एक ये स्र, यानी ये क्या है, चार संयुक्त वर्ण है, यानी क्या है, ये संयुक्त वर्ण है। अब इसको स, र, ऐसे खोल दिया इसको, अब बात करें मैं की, मैं और ये ए, इसको इस प्रकार से खोल दिया, अब इसमें चार क्या हो गए, वर्ण हो गए, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई, चार। अब मात्राएं गिनो, एक, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी, तो टोटल कितनी हो गई, एक दो तीन चार, कितनी हो गई, चार। सही है क्या, ये सही है, ये बिल्कुल ही गलत है, यानी ये सही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है, इसकी वजह से, यानी जो स्र है इसको हम क्या मानते हैं, संयुक्त अक्षर मानते हैं, यानी संयुक्त, इसमें ये तीनों जुड़े हुए हैं, यानी स और र जुड़ा हुआ है इसमें, इसीलिए क्या है, संयुक्त अक्षर है। और संयुक्त अक्षर से पहले जो नियम लिखा है ना मैंने आपको, कि अगर संयुक्त अक्षर आए तो उससे पहले वाला छोटा होते हुए भी क्या हो जाता है, डबल, क्या हो जाता है, डबल। अब यहाँ पे ई छोटा होते हुए भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसीलिए एक दो एक एक, यानी एक दो तीन, तीन और एक चार, चार एक पाँच, तो मात्राएं कितनी हो जाएंगी, पाँच। कितनी हो जाएगी, पाँच। तो संयुक्त अक्षर का भी आपको ध्यान रखना है, ये छुपे हुए, यानी छुपे रुस्तम है, छुपे हुए संयुक्त अक्षर है, यानी इनको आपको देखते ही मालूम नहीं चलेगा कि ये संयुक्त अक्षर है। तो कहने का मतलब आपको इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब इनको एक बार आपको खोल के मैं बता देता हूँ, त्रय,
ये आ गया त्रय, तो त्रय को खोलोगे आप त र ए, ऐसे एक था आपके गे जे, और वो अनपहली वाला होता ना ऐसे ए जे ये, और फिर एक था आपके क्ष, तो ये हो जाएगा क क्ष ए, और एक था आपके श्र वाला बताई दिया था मैंने आपको श्र श र और ए, तो इस प्रकार ये क्या है एक संयुक्ताक्षर हो गए। यानी इनको क्या करना आपको खोलना है, क्या करना है खोलना, यानी ध्यान रखना कि खोलना भी अगर आपको नहीं आता है तो इनको क्या करो आप ऐसे के ऐसे याद रख लो श त्र और ज्ञ क्ष त्र ज्ञ और स्र, यानी ये सबके सब क्या हो जाएंगे संयुक्ताक्षर। और अगर ये मान लो शब्द के कहीं भी बीच में आते हैं तो आपको उससे पहले वाले अगर लघु वर्ण है तो उसकी भी आपको क्या लेनी पड़ेगी डबल मात्रा लेनी पड़ेगी, क्या पड़ेगी डबल मात्रा आपको उसकी लेनी पड़ेगी। तो ये आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्णों और मात्राओं की गिनती आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, यानी वर्णों को तो कैसे गिनना आपको और मात्राओं को कैसे गिनना है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपके क्या हो गया क्लियर, यानी वर्ण और मात्राएं गिनने का टॉपिक आपके क्लियर होता है। अब बात करते हैं किसकी यति और गति, यति और गति। अब बात करें यति की, यानी जो छंद है उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में उसको क्या करोगे आप लय के साथ क्या करोगे उसको पढ़ोगे, यानी लय के साथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बीच में, तो अगर छंद को पढ़ते जा रहे हो तो बीच में थोड़ा सा क्या आता है ठहराव आता है, उस ठहराव को ही क्या कहते हैं यति कहते हैं। यानी छंद को पढ़ते बीच में कहीं थोड़ा सा ठहरना पड़े और अंत में आप पूर्ण रूप से ठहरते हो उसको यति कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यति, क्या कहते हैं यति। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप छंद पढ़ते हो कहीं बीच में रुकना हो या ठहरना हो तो उस विराम को हम क्या कहेंगे यति, और रचना को लय के साथ गति से पढ़ना हो तो वो क्या होता है गति, यानी एक उसका पढ़ना, यानी उसको किस गति से आप क्या कर रहे हो पढ़ रहे हो। तो यति गति क्या होनी चाहिए छंद में होनी चाहिए, यानी छंद में कहाँ पे ठहरना है और किस गति के साथ छंद को पढ़ना है और किस लय के साथ छंद को पढ़ना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी जहाँ पे अगर आप बीच में ठहरोगे तो वो तो कहलाएगी यति, और आप अगर उसको एक लिमिट एक गति से पढ़ोगे वो कहलाएगी गति, और एक लय और ताल के साथ पढ़ोगे तो वो कहलाएगा उसका लय। यानी अगर आप यति और गति से पढ़ोगे तभी उसमें क्या आएगा लय आएगी, यानी उस रचना में लय आएगी, यानी राग तभी उत्पन्न उसमें होगी। ये नहीं कि आप कहीं भी ठहर गए बीच में ही और कितनी भी स्पीड से आप पढ़ ले उसको, यानी एक लिमिट होती है कि आपको यहाँ पे ठहरना होता है। जैसे छंद हो गया अगर 13-11 पे उसमें यति है, किस पे 13-11 पे, तो 13 तक क्या हो गति से पढ़ो और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ठहरो फिर 11 तक गति से पढ़ो फिर पूरी रूप से ठहरो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है यति और गति का ध्यान रखना पड़ता है, किसमें छंद के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग छंद के अकॉर्डिंग, यानी गति और यति का आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना यति और गति क्या होती है, यानी छंद में यति और गति की कितनी आवश्यकता है, यानी किस हिसाब से आप यति और गति का छंद में ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं किसकी गण की, किसकी गण है? अब गणों की बात करते हैं आगे, तो गण कितने होते हैं या गण किसे कहते हैं, गण व उसके भेद। अगला नेक्स्ट है आपके गण व उसके भेद, तो गण व उसके भेदों की बात करें तो गण किसे कहते हैं पहले तो यह आपको मालूम होना चाहिए। तो गण कहते हैं तीन वर्णों के समूह को, किसे कहते हैं गण, तीन वर्णों के
समूह है, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, यानी तीन वर्णों का जो समूह होगा उसे गण कहते हैं। यानी एक गण में कितने वर्ण होने चाहिए? तीन। कितने होने चाहिए? तीन। और गणों के भेद यानी गण कितने प्रकार के होते हैं? गण आठ प्रकार के होते है। कितने प्रकार के होते हैं गण? आठ प्रकार के होते हैं। यानी तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों की संख्या आठ मानी गई है। अब कौन कौन से गण हैं, कौन कौन से जो आठ गण हैं उनकी चर्चा क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी कि गण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उनके भेद हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनको हम कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही। यानी आपको जो आज टॉपिक थे, आज छंद का जो सेकंड पार्ट था यानी जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने गणों के और उसके भेदों के बारे में जाना, यति और गति के बारे में पढ़ा, और वर्ण और वर्णों की गिनती यानी वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की गिनती कैसे होती है, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, तो वो हमने आज क्या कर ली, पढ़ ली। क्योंकि अगर आपको मात्राओं की काउंटिंग और वर्णों की काउंटिंग सही आएगी तभी जाके आप छंद का पता लगा पाओगे कि इसमें कौन सा छंद है, वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है, और वार्णिक में भी कौन सा वार्णिक छंद है और मात्रिक में भी कौन सा मात्रिक छंद है। तो ये सब बातें कब ध्यान चलेगी आपको, जब आपको अच्छे से मात्राओं की काउंटिंग करना और वर्णों की काउंटिंग करना आपको आएगी। तो इस बात का आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, तब जाके आपको ये क्या होगा, टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपके जब तक ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर आप छंद का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए छंद का मालूम या छंद का पता लगाने के लिए कि इसमें कौन सा छंद है, आपको जो मैंने नियम बताए उनको अच्छे से याद करना है, किस प्रकार से मात्राएं निकालते हैं और किस हिसाब से वर्णों की काउंटिंग होती है, वो आपको सारी बातें क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप सारी बातों को अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप छंद का पता नहीं लगा सकते, और इन जो मैंने आपको भी पढ़ा है उसको अच्छे से ध्यान से मात्राओं की काउंटिंग और वर्णों की काउंटिंग आपको आ जाएगी। तो अगर आप फिर लक्षण उसको लक्षण के आधार पर आराम से आप क्या कर सकते हो, छंद का पता लगा सकते हो। तो छंद का पता लगाने के लिए आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास आपकी यही विराम देते हैं आपकी क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में जो आपके आगे इसका है तो नेक्स्ट में बात करेंगे गणों के कौन कौन से आठ प्रकार है उनके बारे में, और आठ प्रकारों को कैसे याद करना है वो सूत्र भी आपको बताएंगे। फिर उसके आगे छंद जो भी आपके सिलेबस में है उन छंदों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से छंद आपके सिलेबस में है, उन छंदों की परिभाषा क्या है, उनके लक्षण क्या है, कितनी मात्राओं का उनमें प्रयोग किया जाता है, छंद कौन से, कौन छंद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से उप प्रकार है, सारी बातों का जो भी सारी बातें हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।